जो हमारे पास पुरानी बेडशीट बच जाती है या कहीं से फट जाती है, पुरानी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसके रीयूज़ के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। तो देखिएगा गाइस, ये मैंने, ये है मेरी एक बेडशीट जो कि थोड़ी सी एक साइड से फट गई थी, ठीक है। तो इसका मैंने रीयूज़ किया है, वरना कुशंस होते हैं तो ये मैंने कुशंस के कवर बनाए हैं। ये मेरी दूसरी बेडशीट है। देखिए, जो जब हम कुशन लेके आते हैं मार्केट से, अंदर एक कवर होता है वाइट कलर का, जो कि बहुत ही पतला सा कपड़ा होता है जो कि फट जाता है। तो उसे सेव करने के लिए, हमारे फाइबर को सेव करने के लिए मैंने एक दूसरी बेडशीट यूज़ की है। ये भी पुरानी बेडशीट है मेरी, ये देखिए, ये मैंने इसको कवर कर दिया है। ये जो वाइट वाला कवर होता है वो साइड से फट गया था, तो इसमें से फाइबर निकलने लग गया था। तो ये मैंने जो भी जितनी होती हैं, 5 कुशंस होते हैं ना, तो मैंने ये सब के बना लिए। देखिए, ये सेफ है, ये अंदर का है, ठीक है। और एक जो मैं बता रही हूँ आपको, ये मेरी जो बेडशीट ख़राब हो गई थी, इसके मैंने बाहर के कवर बनाए हैं। ये जो बीच का फ्लावर है, मैंने इस वाली बेडशीट का यूज़ किया है। और जो ये कॉर्नर्स हैं और ये जो बैक है, ये मैंने जो ये बेडशीट बता रही हूँ ना, ये इसका यूज़ किया है। और बहुत ही सुंदर लगता है। जितने भी फ्लावर्स थे वो मैंने बीच में डाल लिए और ये कॉर्नर्स में ले लिए। और कुशन कवर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो है लंबाई देखनी है, चौड़ाई देखनी है, और ये हमें 3 तरफ से हम इसे पहले सिल लेंगे, और फिर एक साइड से ओपन रखा हुआ होगा, इसके अंदर हम ये कवर डालेंगे, ठीक है। ये बन गया अंदर वाला कवर और ये है हमारा बाहर वाला कवर। ये देखिए गाइस, ये मैंने इसको कुशन के कवर को चढ़ा दिया है। ये इसका फ्रंट है, ये बैक है। इसके लिए ये मैंने ओपन रखा है पीछे से। और हम जिप वगैरह लगाते हैं ना, तो जिप खराब होने का रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हुक लगाए हैं। ये देखिए, जो अंदर वाले पार्ट है मैंने हुक लगाया है, और जो ऊपर का कवर है इसमें मैंने आई बना दी। ये देखिए कैसा लग रहा है, हो गई ना हमारी पुरानी बेडशीट भी यूज़ हो गई और हमारे कुशन के कवर भी बन गए। ये देखिए, ये है अंदर का कवर और ये है बाहर का कवर, या फिर इसे इस साइड से बिछा लीजिए, किसी भी साइड से कर सकते हैं, ठीक है। ये अंदर कवर, ये बाहर का कवर। और जो ये हमारे सोफे के, हमारे ये साइड के होते हैं, गोलू बोलते हैं इनको, गोलू, तो ये भी मैंने ऐसे ही बनाया है। जो पिंक वाली बेडशीट थी, मैंने ये इतना अंदर, इतना इतना पार्ट रख लिया, और जो बाकी के साइड के होते हैं ना, ये मैंने ये दूसरी वाली बेडशीट के ले ली। ये देखिए, ये है हमारा साइड का। ये देखिए, यहाँ से किनारे पर सिलाई लगानी है और यहाँ पर एक फीता डालना है। फीते हमने लगाए हैं, इसको ना बांध देना है यहाँ से। ये दोनों तरफ से लगाए हुए हैं। बन गया हमारा कंप्लीट। तो गाइस, कैसा लगा आपको पुरानी बेडशीट का रिव्यूज़? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह मैं पुरानी चीज़ों को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, ये वीडियो मैं डालती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी। इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी, पुराने पर्दे को कैसे रीयूज़ करें, तो पुराने पर्दे का भी मैंने रीयूज़ किया हुआ है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उसका लिंक, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो ओके गाइस, बाय, सी यू। लाइक भूलेगा मत, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।